उत्तर प्रदेश में चुनावी गतिविधियां एक साल में तेज होने के आसार है, जिसके चलते अब भाजपा संगठन के प्रदेश से लेकर मंडल स्तर तक कार्यकर्ताओं में जोश भरने के संकेत मिल रहे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने बताया कि 2023 के चुनावी समर में उतरने के पहले संगठन को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो बूथ, मंडल और जिला स्तर पर संगठन को मजबूती प्रदान कर सके। साथ ही ऐसे कार्यकर्ताओं को भी चिन्हित किया जा रहा है जो संगठन में रहकर अपना काम निकाल रहे हैं। कार्यक्रम पर भी पैनी नजर रखी जा रही है ताकि टाइम पास करने वालों को पदमुक्त किया जा सके। इस सिलसिले में प्रदेश स्तर के बड़े नेता बालोद पहुंचे, जिसमें जिला प्रभारी केदार गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को यूपी का उदाहरण देते हुए यूपी जीत को डबल इंजन सरकार की सफलता घोषित किया। तो वहीं सांसद मोहन मंडावी ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में भाजपा की सरकार होगी। हमारे कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं उत्तर प्रदेश और चार राज्यों के चुनाव को देख करके, और अभी बहुत अच्छा वातावरण हमारा आज का बैठक हुआ। हमारे मतलब वही 2023 के चुनाव के संबंध में चर्चा हुई और अच्छा पॉजिटिव। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी के संगठन, या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं। तो चुनाव के परिणाम जैसे भी हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर बिना थके बिना रुके बूथ के स्तर पर अंतिम व्यक्ति तक जाते हुए अपनी पार्टी की विचारधारा को लेकर, पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर लगातार सक्रिय है। और उसी सिलसिले में आज बालोद जिले में संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक। ब्यूरो रिपोर्ट।